वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को एक मरतबा फिर आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे वादी सुन के नवाही खोड़ा के अंदर 10 साल पहले जिलानी नामी बंदे ने काजी तारक को कत्ल कर दिया था। 302 के मुकदमे में मुलजिम जिलानी को सजा सुना दी गई। पीर सैयद जमीर हैदर गिलानी और साहबजादा हमीदुल हसन हमीदी की खसूसी काविशों से 10 साल बाद सुलह होगी। अहले इलाका ने पीर सैयद जमीर हैदर गिलानी और साहबजादा हमीदुल हसन हमीदी की खसूसी काविश को खूब सराहा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा कामरेड कुर्बान अली इमरानी की क्यादत में डेरा मुराद शमाली में पाक फौज के हक में एक शानदार रैली निकाली गई। कुछ रोज कबल हामिद मीर की जानिब से पाक फौज के बारे में गलत बयानी और नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा कामरेड कुर्बान अली इमरानी की क्यादत में डेरा मुराद शमाली में पाक फौज के हक में और हामिद मीर के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गयी। ये एहतजाजी रैली नसीब अस्पताल वार्ड नंबर 4 इमरानी हाउस से निकाली गयी, जिसमे वार्ड नंबर 4 के अहले मोहल्ला समेत दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के के हाथों में पाकिस्तानी परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिसमें पाक फौज के हक में और हामिद मीर के खिलाफ नारेबाजी दर्ज थी। ये रैली शहर के मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए अल्लाह वाले चौक शहीद बेनजीर भुट्टो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा हुआ। बेनजीर भुट्टो प्रेस क्लब के सामने एहतमाम पजीर हुई। SSP गोड की उमर तफैल की हदायत पर जिला भर में समाजी भलाई और दीगर जय पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना मीरपुर मथेलू पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। मीरपुर मथेलू पुलिस का दौरान गश्त अफगानिस्तान के शहरी को पासपोर्ट न रखने पर गिरफ्तार कर दिया गया। थाना मीरपुर मथेलू पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे नस मीरपुर माइंस पुल से एक अफगानी शहरी को पासपोर्ट न रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से दौरान तलाशी मुदरजा जेल सामान बरामद हुआ। एक अफगानी करेंसी 1175 रूपए, 2 पाकिस्तानी करेंसी 1200 रूपए, मोबाइल फोन 2 अदद। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। लीव्स फोर्स बख्तियाराबाद टोमकी और लहड़ी की मुश्तरका कार्रवाई। चंद रोज कबल लहड़ी रोड पर कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी सैयद जाहद शाह के खसूसी अहकाम पर असिस्टेंट कमिश्नर लहड़ी जनाब सोबान सलीम दश्ती की निगरानी में तहसीलदार लहड़ी दरानी खान सलाची, नायब तहसीलदार मोटन खान पहोड़, लीव्स रसालदार मेरान खान डोमकी, गुलाम फरीद चाचड़, एहसान अली डोमकी, बलावल तनियू और लीव्स फोर्स के दीगर अहलकारों ने खुफिया अतला पर छापा मारकर मरकजी मुलजमान मंजूर अहमद और रजाक अली को गिरफ्तार कर लिया। साफियों से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर लहड़ी सोबान सलीम दश्ती ने कहा कि तहसील लहड़ी में क्याम अमन के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल ब्रोकार लाए जाएंगे। इस्लामाबाद SP सदर जोन फारूक अमजद भुटर की हदायत पर थाना रमना पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस गिरोह का सरकर्दा मोहम्मद अनीस नामे कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा 3 मोटरसाइकिल्स, दीगर सामान बरामद। मुलजिम मोटरसाइकिल चोरी करके पुर्जों की शक्ल में फरोख्त करता था। इब्तदाई तफ्तीश दौरान मुलजिम ने जिला भर में चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गयी। अंधेर नगरी चौपट राज बारिशाख टील में पानी की अदम फ्रामी से टील के इलाकों में पीने के पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। महकमा इरीगेशन की जानिब से बारिकशाह में पीने का पानी नहीं दिया जा रहा, जिससे इस शदीद गर्मी में लोगों को पीने का पानी नापेद हो चुका है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद अली नावड़ा से। जी इरशाद अली, अपडेट कीजिएगा। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं हम इस वक्त बारिशाख के टेल पर मौजूद हैं। यहाँ पे जमींदार तबके से बेल्ट से हैं और जमींदार तबके से ताल्लुक रखते हैं। उनका यही कहना है कि फरवरी से लेके आज जून की 5-6 तारीख तक पानी यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है और यहाँ पे जो माल मवेशी है वो भी मर रहा है। और इनका ये भी टेल का जमींदार हूँ तो हमें फरवरी से लेकर आज जून के 6 तारीख है बारिशाख टेल के मकीनों को पानी पीने के लिए पानी पीने तक के लिए नहीं है। काश्तकारी तो दूर की बात, लोग नकल मकान पर मजबूर, जानवर मर रहे हैं। हम हुकूमत वक्त और अलाउकाम से पुरजोर अपील करते हैं कि वो बारिशाख टेल के मकीनों की फरियाद को सुनें और उन्हें पानी फराम किया जाए। हम दूर दराज जाके 5-6 किलोमीटर दूर जाते पानी पीने के लाते हैं, सारे लोग परेशान हाल है पानी के लिए। हमारे बारिशाख वाले तेल वाले जमींदार हिंदुस्तान के हैं या पाकिस्तान के? मैं ये आला अफसरों से पूछता हूँ। और पानी माल मवेशियाँ मर रहे हैं और देखो इलाका को देखो, अपने जो जेल है आपके जो अफसरान है अफसरान को बचाओ तेल में, देखो पानी है। अगर तेल में पानी है इतना भी जुर्माना डालो, हम पर हमें जेल में डालो। खुदा आपको गुजारिश करें हमें पानी दें, अगर नहीं है तो हम जुलूस सुनने का गए रोड बंद करेंगे। उस जिम्मेवार भी गवर्नमेंट है, हम नहीं है। वजीर आला साहब, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ
किसी हालत में हमें पानी दो दिन के अंदर अंदर पानी मिले, अब नहीं मिला हम पूरे रोड बंद करेंगे। हम पीने के लिए पानी भी नहीं है, अहला हमको हमारे जो पील है कि हमको पीने के लिए पानी दे, खुदारा हमारी मदद करें, ऐसे नहीं कर खुदारा हमारी मदद करें। अल्लाह को यार देखे फरवरी लेकर अभी तक पानी आया है, पर पानी देनो यूं था परी ने नहीं था उते पींदा से इते ना है पानी पे घणो परे आ हेदे विंदा से परे पानी परे असा विंदा से ते माल खातिर पानी पींदा है। भाई पानी कोई नहीं है, गरीब लोग पानी के वास्ते बहुत तंग हैं, कपड़े लट्टे भी हमारा पुराना हो गया है, कैसे करें हम नहीं। हम टेल के जा रहे हैं, ये बारिश आंख में देख रहे हैं, बिल भी पानी नहीं है, ये हमारे मलेशिया मर रहे हैं, हमारे पीने के भी पानी नहीं है, हम कहाँ हम किसको बोले, ये आप हमारे से देखे ये कैमरामैन अब्दुल कनावड़ा के साथ इसली नावड़ा और मोहम्मद बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया शली नावड़ा हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं आने वाले से, जहां ट्रक कंटेनर और रक्षा में तसादुम, जिस नतीजे में दो अफराद झांभक जबकि एक जख्मी हो गया। लाहौर मोड़ ट्रक कंटेनर और रक्षा में तादुम, दो अफराद झांभक, तीन जख्मी हुए। हादसे के बाद मुतासर अफराद के जिनको रेस्क्यू जवानों ने बड़ काट कर निकाला, रेस्क्यू के अमले ने मशहूर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहर फिरोज शहर में पानी में डूबकर बेहोश होने 6 साल बच्ची अफसाना ब्रूही सिविल अस्पताल में झपक हो गई। बच्ची लाश के लिए वुड़ा को एम्बुलेंस, नली बुरसा का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ जांच, दूसरी जानब बड़ी कनाल से 55 साल शख्स की लाश बरामद, पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल करी। जाफराबाद के दूर कत्ल होने वाले ड्राइवर के एक कार को सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और छीनी गई कार बरामद कर ली गई। 7 रोज के जाफराबाद की तहसील ओस्ता मोहम्मद की हद में पुलिस को एक शख्स की लाश मिली थी, जिसकी शबद्र खोसा के नाम से की गई, जो कि इनके इलाके शोदाकोट के रहायशी टेक ड्राइवर था। ओस्ता मोहम्मद के CSHO यासीन जमाली ने अपनी कैमरा आज बड़ी कार्रवाई करते हुए टेक ड्राइवर बद्रीन खोसा के कमे मुलविस मुल्ताज मोहम्मद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से छीनी कार भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम डकैती की बातों में मुलविस है, तफ्तीश मोहम्मद सिटी पुलिस की है। पुलिस की कामयाब और बेहतरीन कार्य पर अवामी हल ने SHO यासीन जमाली को खराज तहसीन पेश किया। वजीरा उस्मान बुजदार की हिदायत पर शुरू किए प्रोग्राम खिताब की दहलीज के डिप्टी कमिश्नर मसूल ख्वाजा की सरहद में दूसरे हफ्ते की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास किया गया। इसी हवाले से जीत बात करते हैं पाइंदे डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीरा उस्मान बुजदार की हिदायत पर शुरू किए गए खिताब की दहलीज प्रोग्राम के दूसरे हफ्ते का आगाज से हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ख्वाजा की सदारत दूसरे हफ्ते की तैयारी का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें सीवरेज लाइन्स, डिपेन होल्स और ब्लॉक स्टार की सफाई होगी। ADC जी अंजम रियासी और CEO GWM अतीक रहमान से तो तलीम दिगर मुमों के अफसरान के अजलास में शिरकत। सी हेडक्वार्टर शिवसैन भट्ट और CEO मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन आन सफदर और सीनियर सदर चैम्बर मोहम्मद अजमल अवान की भी शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने अफसर को टारगेट दे दिए, म्यूनसिपल सर्वे के दायरे अपने दूरी वाक तमाम सीवरेज लाइनों और मेन की सफाई कराएंगे। सीवरेज लाइनों की सफाई के दौरान निकाले वेस्ट को सड़कों पर डालने के बजाय बाकी सरकार लगाया जाएगा। डैशबोर्ड आने वाली अवामी शिकायत का बार वक्त अजला किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा पेट्रोल पंप और शहर वाक खराब पब्लिक टॉयलेट की मुकम्मल और सफाई की जाएगी, बासर कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट कंपनी से मदद हासिल करें। डिप्टी कमिश्नर ने हफ्ता सफाई की अच्छी कारकर्दगी पेश करने वालों की तारीफ भी की। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमें तफसील अपडेट करने का। मुल्क भर की तांदियावाला में वज़ीर आला पंजाब की हद पर शुरू किया प्रोग्राम खिदमत आई दहलीज का दूसरा हिला शुरू कर दिया। इसी हवाले से मजीद बातेंगे अपने नुमाइंदे ज़हूर सियालवी से। जी ज़हूर, आप कीजिएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डॉक्टर चीफ म्यूनसिपल अफसर परवेज अख्तर की पर तांदले वाला खिदमत आपकी दहलीज पहले मरहले में मुख्तलिफ तौर पर सफाई मुहिम रुकी गई और कूड़ा करकट उठाया गया। दूसरे मरहले में नकासी आपके शहर भर में से मसाइल को हल किया गया और इन होल्स की सफाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डॉक्टर का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर फैसला के अहकाम के में इस प्रोग्राम पर मुकम्मल हल दरामद करवाया जा और शहर को चाहिए कि वह इंतजामिया का साथ दें और शहर को खूबसूरत बनाने अहम किरदार अदा करें। ज़हूर सियालवी, NN न्यूज़ वाला। बहुत शुक्रिया और सियालवी हमें तिलास अपडेट करना। यहाँ पर वक्त है एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना स्टोर की ग्रोसरी आई हुई हूँ, ये बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम जरूरत मिल जाती हैं और मैं चाहूंगी कि और भी ब्रांचेज इन चीजों गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। कि सारी चीजें जो है टैप में सारी चीजें मिलती हैं, रेट भी मुनासिब है मार्केट हिसाब से, तो क्या है कि एक जगह लेकिन मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा रानी उम्र के स्टोर से है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का है वो पूरे शहर में तरह का मियार हमें मिलता, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल के साथ ताल्लुक है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर कस्टमर हूँ, मैं हर यहाँ से ग्रोसरी कर, बहुत ही अच्छा स्टोर है, यानी कि हर यहाँ से अवेलेबल है,
जब भी आते हैं नमक जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सब कहूँगी कि नमक जनरल स्टोर पर ही आए, सब कुछ मिल जाता है। ये भी रहता है, हमें करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है। और सबसे बड़ी बात ये, हर चीज रीजनेबल है। गुजशत 27 साल से शहरियों के एमाद ने साबित किया कि हम की तवक्कुआत और जरूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने तमाम अशिया, मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाजात, ड्राई फ्रूट्स, हलवात, बेगी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गार्मेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपमुनफरद मुकाम की है, वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत साथ। तो अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए राणा अमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मैं पर कोई समझौता नहीं।